लीज पट्टे मामले पर घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद अब उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, उनके प्रेस सलाहकार सहित विधायक प्रतिनिधि पर विपक्ष ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी पत्नी पर आरोप लगाया गया है कि आदिवासियों की जमीन लूट खसोट की गई है। और क्या कुछ आरोप लगाया है पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने, खुद देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ऐसी सूचना है कि सोराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी को आवंटित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उद्योग विभाग के मंत्री हैं, इसलिए उपरोक्त विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सफाई राज्य की 3.25 करोड़ जनता को देनी चाहिए। अगर सही है तो उनका यह आचरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 188 की धारा 13(2) के तहत ये दंडनीय अपराध है। अबुआ राज के नाम पर जो राज में एक परिवार का शासन चल रहा है, जो अपने परिवार, सगे संबंधी और सहकर्मी और सहयोगों के लिए काम कर रही है, ऐसी भी सूचना मिल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के राजनीतिक सलाहकार श्री अभिषेक प्रसाद, प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, जिसे झारखंड में सभी लोग जानते हैं पिंटू जी के नाम से, के संस्था शिव शक्ति इंटरप्राइज के नाम पर साहेबगंज के पकड़िया ग्राम में 11.70 एकड़ की भूमि पर दिनांक 8/4/2021 को खदान की लीज 10 वर्ष के लिए दी गई है। 11.70 और सरकारी कागजों के अनुसार उस पर 90 लाख रुपए का निवेश किया गया है। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि श्री पंकज मिश्रा के फॉर्म महाकाल स्टोन वर्क्स के नाम पर भी साहेबगंज जिला के मारी मौजा में भी 6.25 का खदान वर्ष 2021 में ही आवंटित किया गया और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा आनन फानन में सारी स्वीकृति तथा अनुमति प्रदान की गई। अब प्रश्न यह उठता है कि जब मुख्यमंत्री जी स्वयं उद्योग विभाग एवं खनन विभाग यानी दोनों विभाग के मंत्री हैं, तो क्या उपरोक्त सारे निर्णय उनके प्रभाव के कारण उनकी जानकारी में लिए गए और अपने नज़दीक व्यक्तियों के नाम पर खनन पट्टों का आवंटन किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, उन्हें तो स्वयं त्यागपत्र दे देना चाहिए, जितने बड़े उनके ऊपर आरोप लगा तो उपरोक्त विषय में हमें भी सरकार को चाहिए आधिकारिक स्पष्टीकरण दे और उपरोक्त व्यक्ति श्री अभिषेक प्रसाद
जो प्रेस सलाहकार और जो विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को पद से अविलंब हटाए, और मुझे जानकारी है मिल रही है कि ये सरकार के द्वारा कागजातों में भी छेड़छाड़ कर रही है, तो ऐसी स्थिति में एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की कृपा माननीय मुख्यमंत्री जी करें।